हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए मार्केट एनालिसिस स्टूडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस स्टूडियो में हम देखेंगे मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा, और साथ ही में देखेंगे पूरा वीक जो आने वाला नेक्स्ट वीक है हमारा, उसमें भी हमारा क्या व्यू रहेगा, कहाँ पर बाय और सेलिंग का पोजिशनल ट्रेड हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो लेवल्स भी इसी इंट्राडे वीडियो में साथ ही में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अभी चार्ट की ओर चलते हैं और एनालिसिस वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो केवल स्टॉक, निवेश और रणनीतियों से संबंधित और सामान्य जानकारी का विश्लेषण, सीखने और चर्चा करने के लिए है। मैं आपके लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। देखो, सबसे पहले अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट यहां पर लगा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बात कर ले, पहले तो हमने क्या फ्राइडे के लिए लेवल्स आपको यहां पर दिए थे, वो यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर ड्राइंग मतलब किए हुए आपको देखने को मिल रहे। वहाँ पर क्या सिनेरियो, क्या व्यू था, उसके ऊपर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर ले। तो देखो, लेवल्स हमारे सामने यहीं पर ही है और यहाँ पर डिस्कशन हमारी कुछ ऐसे थी कि चलते हैं पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये हमारे लेवल्स थे। यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या था, ये दो लेवल्स थे हमारे, इसी के बीच में मार्केट क्लोजिंग हुआ था गुरुवार को। तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या था कि अगर ये 20,000 के ऊपर मतलब ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे हमारा बाय साइड और इसके नीचे हमारा सेल साइड का सिनारियो था। और मैंने बहुत कुछ वहाँ पर आपको इंट्राडे एनालिसिस में अपडेट भी वहाँ पर दिए थे, है ना। परंतु तो हुआ क्या, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन और उसके बाद अगर आप देखते हो कि जहाँ पर हमारा एक मतलब एग्रेसिव सेलिंग वाला जो सिनारियो था, वहाँ पर ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको कहा था कि अगर इस लेवल पे फिर से मतलब अगर मान लो ये ब्रेक होता है, यहाँ तक ये आता है निफ्टी, तो यहाँ से हमें फिर से रिवर्सल का प्लानिंग कर सकते हैं मतलब बाय साइड के लिए। परंतु वो हुआ नहीं, यहाँ इसी के नीचे ही सीधा गैप डाउन ओपन हुआ और उसको मतलब रिटेस्ट करके और सीधा हमें नीचे की साइड कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिला। तो अभी ये गैप डाउन मतलब क्यों आया वो आपको सबको मतलब पता होगा, इन्फी के चलते, आईटी के सेक्टर के चलते, है ना, कि कोई मतलब रिजल्ट्स का मतलब वो है ना, उसके चलते वहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो क्या ये अभी मतलब ये क्या मोमेंटम जो आने वाला था, क्या हमें पता था कि नहीं पता था, है ना, क्या हमने वहाँ पे अपडेट किया था कि नहीं किया था। तो अपने मतलब आपने अगर वीडियो देखा होगा पूरा, तो मैंने पहले से ही मतलब गुरुवार को जो हमने ये वीडियो अपलोड किया था शुक्रवार के मतलब फ्राइडे सेटअप के लिए, आपने देखा होगा, एक तो टाइटल पर ही आपको समझ में आ गया होगा रिवर्स, है ना, रिजल्ट कब आया शुक्रवार को हमने कब बताया आपको गुरुवार को। मतलब मैंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल सा वही किया था कि अभी निफ्टी आपको मतलब स्पेशली निफ्टी के ऊपर ही मैंने आपको कहा था कि निफ्टी अभी आपको सरप्राइज दे सकता है। मैंने आपको 2-3 बार मतलब इस शब्द के ऊपर फोकस किया था, मतलब दिया था, मैंने कहा था, बार बार कहता था कि निफ्टी आपको सरप्राइज दे सकता है, चाहे अभी वो फ्राइडे को दे या मंडे को, मतलब नेक्स्ट वीक दे। एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी नेक्स्ट वीक को ही थी कि मैं मंडे से मतलब सोच रहा था कि मंडे के बाद या मंडे के दिन हमें कोई सरप्राइज यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। परंतु ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पर इन्फी के चलते मतलब ये कोई कंपनी के मतलब रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो हो गया सो हो गया, अफसोस तो कुछ है नहीं खास, थोड़ा बहुत है, परंतु वो वही कि यहाँ पर हम ये जो इतना बड़ा फॉल और जो मतलब जो मोमेंटम की पहले से जो एक एक्सपेक्टेशन थी, मतलब सोच रहे थे कि मेरा कुछ प्लानिंग यही था कि ये फ्राइडे को मार्केट यहीं कहीं ओपन हो साइडवेज और एग्जैक्टली मतलब वो 20,000 को टच करके थोड़ा सा ऊपर नीचे जाके और वहीं से ही एक मतलब मैं रिवर्सल की वहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कि वो सोच रहा था कि एक ट्रेंड लाइन जो मतलब चैनल का भी एक जो सीनरी मतलब वही कि यहाँ पर एक चैनल के ऊपर ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेलियर टाइप का यहाँ पर देख रहा था। परंतु ठीक है, चलिए जो हुआ मतलब अभी नहीं हुआ है तो क्या करें, अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलती है वो मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा। परंतु आपको क्या करना है उसके लिए वीडियो पूरा देखना है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा सा निकल जाने के बाद ही मैंने कहा था वीडियो में, परंतु जिसने वीडियो देखा होगा पूरा उसको पता होगा
है ना, परंतु वैसे भी क्या करे वहाँ पर मोमेंटम का मतलब पूरा जो अगर यहाँ पर अगर देखे तो 250 पॉइंट का मतलब जो रेड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो तो पूरा नहीं देखने को मिला, मतलब कैश करने को नहीं मिला, ठीक है। वैसे भी मैंने निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड नहीं किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर एक मैंने आपको एक रेंज दी थी कि उसके बाहर ही हमें ट्रेड प्लान करना है, नहीं तो हमें बैंक निफ्टी बस इसी के बीच में घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब या तो फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए या तो फिर ये ब्रेकडाउन करके नीचे चला जाए, वहीं पर हमें कोई बड़े ट्रेड की यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगी, या तो फिर हमें ये 45,900 का लेवल्स देखने को मिले, वहाँ से हम रिवर्सल और फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ था। बाकी इसी के अंदर मैंने कहा था जो रिवर्सल यहाँ पर ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब जो ट्रेड नहीं कर पाते वो बिल्कुल यहाँ पर इग्नोर करें, है ना, नहीं तो फिर आपको पूरा दिन बस वही सपोर्ट पे बाय रेसिस्टेंट पे सेल वाला सीनारियो देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ हमने डिस्कशन किया था। और अगर देखे तो क्या देखने को मिला, बस उसी के बीच में पूरा साइडवेज मोमेंटम। हालांकि रेंज की बात करें तो रेंज 266 मतलब 250 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी रेंज है, तो ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन बायर्स के लिए यहाँ पर कोई मतलब बेकार सा यहाँ पर दिन रेंज है। रेंज के हिसाब से मतलब ऑप्शंस वायर्स के हिसाब से अगर देखें स्कैल्पिंग ट्रेड या कोई भी भले अगर मतलब ऑप्शन स्ट्रीमिंग की अगर बात करें तो ये 40 पॉइंट के आसपास मतलब पर लॉट आप 1,000 के आसपास मतलब आराम से यहाँ पर निकाल सकते थे अगर आपने प्रॉपर रिवर्सल अगर ढूंढा होगा तो, है ना। मेरा यहाँ पर दो ट्रेड यहाँ पर बना था अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक ट्रेड मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया था ये वाला ट्रेड, और ये नहीं ये वाला 3 मिनट पे मैंने यहाँ पर पकड़ा था क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन रिटेस्ट और कंटिन्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा था, तो वही मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्रेकडाउन रिटेस्ट और कंटिन्यू मतलब ये इसी जो ये रेड कैंडल जो देखने को मिल रही है ना वहीं पर ही एंट्री बन गई थी मेरी, है ना, क्योंकि इसके ऊपर मतलब जो है मतलब कंटिन्यूएशन सीधा वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था, परंतु इसमें कुछ खास उतना बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, यहीं कहीं मैं बीच में यहाँ पर निकल गया था थोड़ी देर में, फिर थोड़ा सा वेट किया यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, परंतु वही यहाँ पर मतलब वो भी कोई मतलब मेरे को वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया, फिर बाइंग के लिए मतलब अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही मैं सोचता, फिर यहाँ पर अगर देखे तो रिजेक्शन देखने को मिल रहा था यहीं पर कुछ दो कैंडल्स के आसपास, मतलब वही है फर्स्ट कैंडल जो रिजेक्शन वाली यहाँ पर है उसी कैंडल में मेरी एंट्री बन गई थी, और रैम पैटर्न के भी हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 मिनट 5 मिनट में, तो वही स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर ढूंढना था। यहाँ पर भी अगर बात करें तो इसी कैंडल में यहाँ पर निकला, हालांकि ये जैसे कि थोड़ा सा नीचे जा रहा है, नीचे क्लोजिंग भी नीचे जा रहा था 200 EMA का, मतलब ये जो हमारा ये जोन है यहाँ तक का मैं प्लानिंग कर रहा था टारगेट लेने के, परंतु वो मिला नहीं यहाँ पर। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है तो क्या कर दी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या जो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर देगी वहाँ पर निकल गए, तो ठीक है वे दो ट्रेड बने, मतलब सबका दिन यहाँ पर मतलब हमारा ठीक ठाक, उतना भी मतलब जैकपॉट वाला भी मतलब है ना वो नहीं हुआ। बाकी जो यहाँ पर मतलब ओवरनाइट पोजीशंस अगर कोई लेके गया होगा पुट, हमने कोई सजेस्ट नहीं किया था, परंतु कोई अपने हिसाब से अगर लेके गया होगा ऑल टाइम हाई के आसपास था, है ना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर हैवी रिस्क ले लेते कि अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, राउंड नंबर है ना, बाई चांस अगर कोई आ गया तो एक एक आध लोट यहाँ पर आउट द मनी या एट द मनी कोई थोड़ा सा हल्का फुल्का रिस्क लेके गया होगा, तो यहाँ पर डबल ऑफिसली मेरे ख्याल से हो गया होगा, तो ठीक है। चलिए अभी देखो नेक्स्ट वीक का अगर पहले हम प्लानिंग कर ले कि वीकली पोजिशनल यहाँ पर ट्रेड हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पर लेवल्स पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कोई बड़ा उतना डिटेल्स में एनालिसिस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये जो नेक्स्ट वीक हमारा जो रहेगा, एक तो जो प्लानिंग था यहाँ पर ये न्यूज बेसिस मतलब इन्फी की चलते यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फेल हो गया है, जो आने वाला वीक का था वो अभी ठीक है, परंतु अगर मान लो कि कोई मंडे को या नेक्स्ट वीक में अगर कोई दूसरा सेटअप मेरे को देखने को मिल जाता है तो फिर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि हम फिर से एक बहुत ही बढ़िया मतलब रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल देखो कुछ नहीं यहाँ पर बड़ा कोई मतलब प्लानिंग करना नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर लेवल बेसिस पे ट्रेड करना है, क्योंकि अभी ये जो है आने वाले दिन हमें न्यूज़ बेसिस यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि अगर अगर आज बात करें तो एक तो देखो रिलायंस का अभी आज या कल रात को आया, वो पता नहीं है रिलायंस का भी मतलब वो आया क्या कहते हैं रिजल्ट्स, और दूसरा यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को मिला आईसीआईसी का, आईसीआईसी बैंक का, और दूसरा एक आया तीसरा मतलब कोटक बैंक का, और भी कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं। मतलब रिजल्ट्स की अगर बात करूँ तो देखो मैंने उतना कुछ खास देखा नहीं है, और मेरे को वैसे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है ना। परंतु उसमें क्या है, एक तो देखो सिंपल सा अगर आपको आसान भाषा में अगर समझा दूँ तो कुछ उतना है नहीं कि यहाँ पर मतलब पूरी जेब खाली करके मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ। ठीक है नॉर्मल सा यहाँ पर रिजल्ट है ना, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज अगर किसी का अगर अगर देखने जाए तो किसी का बढ़ के आया है, किसी का कम हो के आया है, किसी का ईयर टू ईयर देखे तो वहाँ पर बढ़ के आया है, तो वो ठीक है मतलब एवरेज सा नॉर्मल सा है यहाँ पर। बाकी रिलायंस के अगर कुछ सेक्टर की अगर बात करें तो अच्छा काम किया है वहाँ पर, परंतु ओवरऑल कुछ देखने जाए तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ी भी, मतलब गड़बड़ी मतलब वही थोड़ा सा नेगेटिव है, परंतु ठीक है ऑन एन एवरेज। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मैं आँख बंद करके पुट ले लूँ, यहाँ आँख बंद करके यहाँ पर कॉल बाय कर लूँ, मतलब उतना भी एग्रेसिव और बुलिश अभी लड़ाई यहाँ पर देखो निफ्टी बैंक निफ्टी की ऐसी कुछ हो सकती है। रिजल्ट्स के यहाँ पर अगर देखें तो न्यूज़ बेसिस यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, अभी रिजल्ट्स को यहाँ पर मार्केट कैसे लेता है हमें पता नहीं है ना, क्योंकि अगर बैंक्स की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज कहीं पे अगर देखो अगर देखने जाए पॉजिटिव में कहूँ तो उस हिसाब से यहाँ पर है कुछ नंबर्स। मतलब नेट प्रॉफिट की बात करें एक तो, दूसरा क्या है एक्सपेक्टेशन की, अगर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मान लो कुछ हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो कि हमने 100 करोड़ की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की थी वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हुआ 120 करोड़ का बढ़ के थोड़ा आया प्रॉफिट, तो वो कुछ है यहाँ पर ठीक है। परंतु बाकी मैंने कुछ खास मुझे पता नहीं, मैंने बस वही हेडलाइन नंबर्स देखा है तो मुझे उतना कुछ खास यहाँ पर पता चलता नहीं है। परंतु बैंक्स की अगर बात करें तो देखो आईसीआईसीआई की पहले अगर डिस्कस कर लूँ मैं यहाँ पर अगर बताऊँ तो मेरे ख्याल से ये क्या है यहाँ पर, मतलब लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, क्या लड़ाई बात कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर अगर समझाऊँ तो देखो न्यूज़ से पहले ही ये मतलब भागते हुए यहाँ पर चले गए, इतने बड़ी यहाँ पर रैली आके मतलब देखने को मिल गई है, तो हो सकता है यहाँ पर उल्टा भी हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है मतलब मोस्टली यहाँ पर देखा है, कई बार गया मोस्टली यहाँ पर देखा है रिजल्ट अच्छा आता है वहाँ पे, जो भी मतलब स्टॉक मार्केट है वहाँ पे गिर जाता है रिजल्ट बुरा आता है वहाँ पे मतलब उठ जाता है, कभी अच्छा आता है वहाँ पे और बढ़िया रैली दिखाता है, कभी बुरा आता है, मतलब वहीं पे कंटिन्यूशन भी देखने को मिलता है, कभी कभार वहाँ से उल्टा भी देखने को मिलता है। तो क्या है अभी मार्केट इसको कैसे लेता है वो हमें मंडे को ही पता चलेगा है ना। बाकी ऐसी को अगर आपने देखा होगा हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये जो मतलब ये ट्रेंड लाइन और ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन उसके बाहर ही हमें कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर आपको कोई ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर प्लानिंग की थी तो यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री बनाई होगी, हमने बहुत से मतलब यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर काम किया था, मतलब रिजल्ट सॉरी स्टॉक के ऊपर। कोटक में भी अगर देखें यहाँ पर देखो इतनी बड़ी रैली आ गई है तो हो सकता है यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती, फिर से अगेन हमें ये 970 के आसपास मतलब स्टॉक देखने को मिल सकता है, अभी ये मंडे को भी देखे या आने वाले दिनों में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी टॉप पे अगर कैंडल देखे डेली कैंडल हमने वहाँ पर अभी देखा तो स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप का हो गया डोजी, बाकी राउंड नंबर पे भी मतलब इतनी बड़ी स्ट्रांग है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी स्वाभाविक है आ सकती है, क्योंकि रिजल्ट से पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे लगातार इसने स्ट्रांग रैली देखने को इसमें देखने को मिली है, तो 970 950 का हमें फिर से लेवल्स देखने को मिल सकता है ऐसे ऐसी बाई चांस, मतलब बाई चांस सॉरी वो मंडे को भी देखने को मिल सकता है या आने वाले दिनों में कभी भी, तो अभी अपसाइड इसमें लिमिटेड है आईसीआईसीआई बैंक में। कोटक बैंक की अगर बात करो तो कोटक बैंक ठीक है, मतलब उसमें भी एक मतलब बॉटम से तो अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखने को मिली है, परंतु उतनी भी कुछ खास नहीं है जो निफ्टी में हमें सॉरी आईसीआईसीआई में देखने को मिली, परंतु एक हल्की भूल की अगर आईसीआईसीआई में आती है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पैनिक तो आएगा ना है ना। बाकी इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, पहले भी आपको इसमें मैंने लेवल्स दिए हुए, टारगेट भी सारे मतलब हिट हो चुके हैं पहले से ही,
जो भी ठीक है कोई बात नहीं, परंतु एक हल्का फुल्का एक पुल बैक यहाँ पर आ सकता है, बाद में इसमें आप कोटक बैंक में कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। पुल बैक इसमें 1920 के आसपास थोड़ा सा आने दो, क्योंकि अगर देखो वीकली के आसपास अगर देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट के पास ये खड़ा है ना, क्योंकि अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो वहाँ पे एक पुल बैक या तो फिर मतलब इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है सबसे पहले तो, है ना। तो एक अगर पुल बैक अगर वो कौन सी बात करो, मैं डेली सॉरी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर दिखाऊँ कि कैसे कि वहाँ पर एक आपको मैं एक स्विंग लो की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो कि रेसिस्टेंट पे आ गया, मैंने आपको कई बार ब्रेकआउट की अगर बात की, अगर ये ऐसे ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक पुल बैक और यहाँ पे अगर आप यहीं कहीं एंट्री बना लेते हो ब्रेकआउट से पहले ही, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर अगर मतलब मेरे ख्याल से अगर मान लो कि ये ऐसा कुछ सिनेरियो देता है ना, तो ये मैं कहूँगा ये जो है ना ये पुल बैक नहीं, परंतु ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है ना। फिर ये चाहे मतलब उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा फिर यहीं कहीं हमें कोई रिट्रेसमेंट फिर यहाँ से मतलब ऐसे देखने को मिल सकता है, मतलब आपको हो सकता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ देखने को मिल सकता है। पर देखते हैं क्या है, अगर इसके ऊपर मन अभी मंडे को या जो भी आगे देखेंगे प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी इन्फी में भी वहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से आपको कुछ दिया था, वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए था, मेरे को सारे स्टॉक यहाँ पर मतलब याद है, वो आपने अगर देखे होंगे मैं बीच में यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने 3-4 दिन लगातार जो मतलब जो ऐसे बड़े शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पे स्विंग ट्रेड यहाँ पर ऐसे बन रहे थे जो एक अच्छे खासे स्टॉक थे वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे, आप जाके देख सकते हो पुराने वीडियो, है ना। वहाँ पर यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही दिया था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसके ऊपर ही हम वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने बना के दी थी, बाकी स्विंग ट्रेड तो मेरे ख्याल से नहीं था, ये वही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब, है ना। क्योंकि इसमें मैंने कुछ खास क्या कहा था डिटेल में मुझे पता नहीं है, परंतु ट्रेंड लाइन बस ये बना के दी है, मतलब यहीं कहीं ये मैंने ये मई के महीने मई या जून में मैंने सारे स्टॉक यहाँ पर एनालिसिस किए थे। तो ठीक है चलिए अभी कोई बात नहीं, अभी हम बात कर रहे थे हमारा अगर देखो इन्फी में अगर किसी को जाना है अगर बाय साइड के लिए, ट्रेंड लाइन आप ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी, अगर प्लानिंग करना है कि अगर इसके ब्रेकआउट के बाद ये भागता ही रहेगा, मतलब फर्स्ट टारगेट आपका ये और सेकंड टारगेट फिर आपको यहाँ पर ऑल टाइम हाई है पता नहीं क्या है, परंतु तो ये देखने को मिल सकता है ना। तो इसके बाद आप यहाँ पर सोच सकते हो, बाकी बॉटम लेवल पे अगर यहाँ पर कोई स्विंग लो आपको देखने को मिलता है तो भी आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, मतलब ब्रेकआउट से पहले वो आपको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, मतलब स्टॉक है यहाँ पर, परंतु तो वो आपको मैसेज मैंने जैसे कि कहा ट्रेंड लाइन के बाद ही आप वहाँ पर प्लानिंग करोगे, क्योंकि इसके बाद अंदर भी आप बाय करके चल सकते हो, परंतु वही टाइम पास करेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा अफसोस होगा कि अब अरे इतने टाइम में ये पैसे मैंने कहीं और डाला होता तो अच्छा होता। तो ठीक है अभी ये लेवल्स आप ध्यान में रख के चल सकते हो, ICICI में मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पे मतलब अभी प्रॉफिट बुकिंग या कहाँ पे दूसरी बार बाय करके चल सकते हो, एक्सिस में सॉरी कोटक में भी वहाँ पर हमने देख लिया, अभी कोई बड़े स्टॉक की बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्टॉक के ऊपर भी मतलब डिस्कस किया करो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तो डेली हम एक दो स्टॉक मतलब ले लेंगे, या तो फिर जो भी आपको मतलब मान लो कि एक दिन पहले या मैं जो शाम को मतलब कम्युनिटी पेज यहाँ पर अपडेट मतलब यहाँ पर डालता हूँ कि भैया मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद कि आज आपका कैसा दिन रहा प्रॉफिट लॉस वाला, है ना, वहाँ पर भी आप मेरे को बता सकते हो कि आप शाम को ये स्टॉक पे मतलब हमको यहाँ पर एनालिसिस दो, तो जिसमें मतलब ज़्यादा कमेंट्स हो गए जिस स्टॉक के बारे में वो हम वहाँ पे पिक करके वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, तो देखो फिर से हम चले आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लूँ वीकली पोजिशनल ट्रेड वालों की, यहाँ पर
तो अभी देखो यहाँ पर अगर आपको सेल साइड के लिए अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना है तो जब तक मतलब ये हमारा लेवल्स यहाँ पर ये कौन सा है 19,685 का एग्जैक्टली अगर नंबर टू मतलब 700 नंबर भी आप यहाँ पर पकड़ के चल सकते हो। 19,600 मतलब सॉरी 19,700 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पे हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे हमें मतलब वहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रेड वहाँ पे बन सकता है। टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकते हैं तो टारगेट अगर देखो तो ये 19,550 भी यहाँ पर पकड़ के चल सकते हैं। बाकी स्विंग लो यहाँ पर ये 400 का भी यहाँ पर हमें लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो ठीक है तो ये 19,000 ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा। फर्स्ट सपोर्ट हमारा आएगा 19,550 से लेकर 500 का और 400 हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा। तो इसके नीचे हम सेल साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, है ना। बाकी बाय साइड की अगर बात करूँ अगर आप लॉन्ग प्लानिंग करना चाहते हो तो देखो अगर सेफ ट्रेडर हो तो वो एक तो 20,000 के ऊपर प्लानिंग कर सकता है या तो फिर वो 20,000 ब्रेकआउट होने दो वो प्लानिंग कर सकता है, या तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर है वो 19,880 मतलब 850 के ऊपर 850 के ऊपर यहाँ पर प्लानिंग कर सकता है। जो मैंने यहाँ पर जोन बनाया है अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट रिट्रेस और कंटिन्यू करता है मतलब वहाँ पर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखना है। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो। जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 20,000 मतलब ऑल टाइम हाई या मतलब ये गैप फिलिंग सिनेरियो मतलब ऑल टाइम हाई यहाँ पर ये पकड़ के चल सकते हो। और सेकंड टारगेट मैंने आपको पहले भी यहाँ पर दिया हुआ है कुछ 20,150 के आसपास 156 या 150 के आसपास मैंने यहाँ पर मतलब राउंड नंबर यहाँ पर पकड़ के चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं 150 का आप पकड़ के चलना है यहाँ पर सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा बाय साइड के लिए। मतलब आप समझ गए जो सेफ ट्रेडर है ये इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है सॉरी 20,000 के ऊपर बाय लॉन्ग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पर एक दो क्वांटिटी में यहाँ पर सोच सकते हो अगर सेफ ट्रेडर है तो, है ना। बाकी दूसरा क्या है अगर मान लो कि ये हो सकता है इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा आपको मतलब कोई अगर मंथली पोजिशनल ट्रेड भी अगर यहाँ पर बनाना चाहता है लॉन्ग साइड के लिए तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये ब्रेकर के ऊपर आया यहाँ पर आपने कोई प्लानिंग बनाई यहाँ पर आपको कोई मतलब ऐसा सिंपल सा ऐसा नहीं कोई एग्जैक्टली ऐसा परंतु यहाँ पर अगर देख लो कोई एक हाई लो यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना कि ये जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या है मैंने यहाँ 800 के नीचे सेल भी देखो निफ्टी अभी फिलहाल वीक ही है परंतु क्या है यहाँ पर अभी न्यूज बेसिस मोमेंटम है तो आपको लेवल्स के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना है ना। हालांकि अगर थोड़ा सा देखने जाए तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से मैं अगर स्ट्रक्चर को आप समझोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक स्ट्रक्चर मतलब हमारा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये चालू था। अभी यहाँ पर क्या हुआ अचानक से ये हायर हाई बंद होके मतलब कैंसिल हो गया यहाँ पर एक हायर लो और हायर हाई ऐसा कुछ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर अगर आपको अभी भी क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सॉरी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा। मतलब ये यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना कि ये हायर हाई हायर लो यहाँ पर बन रहा है तो 800 के नीचे जब तक इसके वो नीचे तो वहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर भी हम मैंने जैसे कि कहा अभी हमने लेवल के ऊपर डिस्कस किया कि जो सेफ ट्रेडर है वो 20,000 का ध्यान रखे बाय साइड के लिए लॉन्ग साइड के लिए शॉर्ट साइड के लिए 700 का लेवल। बाकी जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पर 850 के ऊपर भी प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आप ऐसे लेके चल सकते हो। बाकी देखो जो सेफ ट्रेडर है एक वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा एक हायर हाई मतलब एक हायर लो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलता है 700 के ऊपर या इसी के आसपास तो आप यहाँ पर बाई साइड के लिए प्लानिंग बना के चल सकते हो। मतलब वो आप ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए भी प्लानिंग कर सको आप आगे मतलब मंथली पोजिशनल ट्रेड भी आप यहाँ पर बना के चल सकते हो तो वो व्यू रहेगा। तो ठीक है यहाँ पर बाकी जैसे कि मैंने कहा अभी
ये वीकली हमारा ट्रेड हो गया। अभी इंट्राडे की अगर बात करें तो इसको मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। तो इंट्राडे हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो सिंपल सा लेवल्स बेस पे यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। तो लेवल्स में क्यों दे रहा हूँ वो भी मैं थोड़ा आपको हल्का सा यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखो शॉर्ट साइड के लिए अगर आपको ट्रेड मतलब कंटिन्यूशन अगर देखना है, यहाँ पर अगर देखें तो एक हायर हाई यहाँ पर चालू रहा, उसको ब्रेक करके यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट साइड अगर कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है मतलब आपको प्लानिंग करना है तो वही आपको 19,700 के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट साइड में कंटिन्यूएशन। वही हमारा शॉर्ट साइड मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर ये चालू है, मतलब ये आया इसने लगाया एक मतलब लोअर लो मतलब ये हाई ये फिर लोअर हाई लोअर लो और यहाँ से फिर से हो सकता है ये 800 के आसपास से वहीं से ये रिजेक्शन लेके हमें ऐसा कंटिन्यूएशन देखने को मिल सके। तो 700 हमारा शॉर्ट साइड के लिए कंटिन्यूएशन के लिए रहेगा, वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेंगे वहाँ पर आप देखो, ये 200 EMA का भी आप रेफरेंस लेके चल सकते हो, पर ठीक है वो 700 के नीचे ही हमारा आ जाएगा। टारगेट की अगर बात करें तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 19,600, ये 36 का। सेकंड टारगेट हमारे पास रहेगा ये वाला स्विंग है, यहाँ पर हम पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है ये हमारा इंट्राडे भी बनेगा, वहाँ पर आपको जो वीकली ट्रेड हमने दिए वहाँ पर उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट भी वो हिट हो रहा है, परंतु कैसे ट्रेलिंग स्टॉप उसके साथ लेने का ट्राई करेंगे। तो ये हो गया। बाय साइड की अगर बात करूँ तो आपको जैसे कि ये अभी ये डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर फेल होगा हमारा, कहाँ पर ये 19,820, ये इंट्राडे की प्लानिंग है ना। नहीं तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि आपने अभी 850 के ऊपर कहा, तो इंट्राडे हमें यहाँ पे हमारा 820 के ऊपर लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा वही 876 का, और सेकंड टारगेट की अगर बात करूँ तो गैप फिलिंग से लेके हम ऑल टाइम हाई तक हमारा टारगेट बन सकता है। तो ये हो गया हमारा इंट्राडे व्यू, इसके बाहर ही हम वहाँ पे बाय साइड सेल साइड का प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है बाकी 800 के ऊपर भी अगर देखो कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवर्सल देखने को मिल मतलब ढूंढ सकता है वहाँ पर, है ना, क्योंकि अगर 800 को अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो वहाँ पे सेलिंग पोजिशन मतलब प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा डेली और वीकली ट्रेड निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी की अगर बात करें सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख ले, तो देखो वीकली अगर आपको प्लानिंग करना है तो बैंक निफ्टी अभी देखो यहाँ पर निफ्टी के हिसाब से अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, परंतु आप देख रहे हो थोड़ा सा नॉइसी भी देखने को मिल रहा है, मतलब आपको जिगजैग मोमेंटम वाले वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पर अभी जो भी है फ्री फॉल देखने को नहीं मिलेगा, जो आप मतलब एक्सपेक्टेशन करते हो कि आपको झटक से मतलब वो धड़ 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 वो गिरते ही जा रहे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अभी न्यूज बेसिस मोमेंटम है तो देखते हैं क्या है। अभी लेवल बेसिस पे हम ये थोड़ा सा ये वीक या दो जो भी है 2-3 दिन ट्रेड करने का प्लानिंग मतलब सोचेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पोजिशनल बेसिस पे अगर सेलिंग मतलब शॉर्ट साइड की अगर जाना चाहते हो तो हमारे पास ये रहेगा कि यहाँ पर आप देखिए वो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ब्रेक कब होगा कि ये लेवल से अगर ब्रेक होता है हमारे पास कौन सा 45,850 का ये ब्रेक हुआ तो वहाँ पे हमें सेलिंग साइड थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे पास क्या रहेंगे, टारगेट की अगर बात करो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर 45,380, मतलब ये 400 ये हमें ये देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो ना कि ये वाला स्विंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब 400 भी आप यहाँ पर पकड़ के चल सकते हो। ये हमारा फर्स्ट टारगेट भी बन के रहेगा, और सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी वहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ हमारा चेंज होगा तो वो भी हम यहाँ पर अगर देखें तो देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 400 राउंड नंबर लेके चलेंगे कि अगर ये हमारा लेवल ब्रेक हुआ 850 तो
तो फर्स्ट टारगेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट भी रहेगा, मतलब सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग हमारी ये रहेगी। अगर ये ब्रेक करके नीचे जाता है तो वहाँ पे हमारे मतलब और सेलिंग प्रेशर वो थोड़ा एग्रेसिव वाला भी यहाँ पर बन के रह सकता है कि यहाँ से एक हमें ट्रेंड रिवर्सल तो हमारा ये 44,600 के नीचे प्लानिंग हो सकता है, परंतु यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमारा बढ़ के मतलब बढ़ सकता है। तो बीच में हमें ये भी हर्डल देखने को मिल सकता है। तो 45,000 राउंड नंबर है सेकंड टारगेट, ये लेके चलेंगे। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हमारे ख्याल मेरे ख्याल से, तो ये आप लेके चल सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। अभी बाय साइड की अगर बात करूँ तो बाय साइड की अगर हम यहाँ पर देखें तो 46,000 ये 250 के ऊपर प्लानिंग कर सकते पोजिशनल के हिसाब से। टारगेट की अगर बात करूँ तो देखो अभी खुला आसमान है, तो जितना यहाँ पर नीचे की साइड है वहाँ पर आप उतना मतलब जैसे कि ये ब्रेक हुआ तो स्पेस कितना है यहाँ पर मतलब 500 पॉइंट आप वहाँ पे ऊपर भी खींच के लेके चल सकते हो, 500-600 पॉइंट का मोमेंटम। ठीक है ना, तो आप मतलब 47,000 मतलब 1,000 पॉइंट के आसपास मतलब ट्रेल करके चलते चलेंगे हम वहाँ पे 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर वो आप मतलब पोजिशनल ले रहे हो तो। ठीक है, ये हमारा वीकली हो जाएगा, बाय इसके ऊपर शॉर्ट इसके नीचे हम प्लानिंग कर सकते हैं। अभी इंट्राडे की अगर बात करें इसको मैं रिमूव करूँगा। इंट्राडे हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, 15 मिनट पे जाएंगे यहाँ पर, सिंपल सा और कुछ नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिगजैग यहाँ पर साइडवेज वाला देखने को मिल रहा है, फिर भी कुछ नहीं। यहाँ पर सेल साइड की अगर बात करूँ तो वही हमारा 45,930 मतलब हमारा फ्राइडे का डे लो यहाँ पर ब्रेक होता है तो वहाँ पे हम सेल साइड के लिए प्लानिंग कर सकते। टारगेट हमारे पास क्या रहेंगे, 45,770 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 650 का, और थर्ड टारगेट मतलब वही 150-150 पॉइंट 550 तक यहाँ पर हम लेने का सोच सकते। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी में। नीचे फिर मतलब अगर ये भी ब्रेक हुआ तो आप 200 EMA लगा लेना, वहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आप 200 EMA का लेके चल सकते हैं। तो ये हो गया सेल साइड के लिए, शॉर्ट साइड के लिए। बाय साइड की अगर बात करूँ तो बाय साइड के लिए अगर हम बात करें तो एक तो देखो ये 46,200 का लेवल देखने को मिल रहा है जो डे हाई भी है, इसके ब्रेकआउट पर ही हम यहाँ पर बाय साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वही 46,300-350-360 का भी लेके चल सकते हैं, मतलब वही वीक टू वीक अगर पकड़ के चले। इसके अंदर क्या है, स्कैल्पिंग ट्रेड हमारा रहेगा जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे ट्रेडिंग सेशंस के लिए भी कहा था। बाकी यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करेंगे, बाकी फ्रेश बाइंग हम इसके बाहर ही हम नहीं बना सकते। ठीक है, बाकी आप ट्रेल के साथ भी मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या तो फिर मतलब मान लो मल्टीपल क्वांटिटी में काम कर रहे हो, 50-60% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लो, बाकी की आप ट्रेल करके, तो ऐसे आप अपने हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हो। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में इंट्राडे प्लानिंग सेटअप, इसी लेवल्स पे आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। दूसरा तो यहाँ पर देखो कुछ है नहीं यहाँ पर, अगर कोई ट्रेंड लाइन कुछ अगर बनाना चाहते तो वही लेवल्स यहाँ पर निकल के आए के। सेल साइड की अगर बात करो तो वहाँ पर भी कुछ मतलब खास कुछ है नहीं यहाँ पर, फिर अगर आप ज़बरदस्ती बनाना चाहोगे तो बहुत कुछ यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो इसको फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे। और कुछ खास अपडेट रहेगा तो वहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च करना, वहाँ पर देखना कुछ फेक ग्रुप भी है ना, तो वहाँ पर और कुछ नहीं आपको ग्रुप में देख लेना है, हमारे वीडियो के लिंक वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो वही ओरिजिनल ग्रुप है, अभी करंट अगर देखें तो वहाँ पर 4 सब्सक्राइबर है, उतने भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैं कोई कॉल टिप्स की सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करता हूँ, है ना। कुछ अपडेट है कुछ मतलब अगर देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को निफ्टी के बारे में वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाला था, मतलब वही लर्निंग पर्पज़ वाला। और दूसरा क्या है, अगर मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ एनालिसिस किया है और उसके विरुद्ध मतलब कोई अचानक से कोई बड़ा अपडेट या रिवर्सल कुछ वहाँ पे देखने को मिल गया, तो उस समय पे भी वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ
टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करता हूँ और ट्विटर पे भी वहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो दोनों सोशल मीडिया पे जाके आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। बाकी और कुछ खास है नहीं, यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर देख ले तो क्या है, हल्की सी नज़र मार ले यहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। तो देखो, रिफ्रेश होने देते, बाहर फिर से बाहर चालू, हर बार यार यही लफड़ा रहता है। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। पहले नंबर्स यहाँ पर अगर देखें क्या है यहाँ पर, तो देखो 26 लाख यहाँ पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, 20 लाख की अगर देखें तो पुट राइटिंग। तो नंबर्स के हिसाब से देखें तो डेटा यहाँ पर बियरिश हो चुका है। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस अगर देखें तो कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंट हमारे पास यहाँ पर रहेगा, तो पहले कॉल राइटिंग यहाँ पर देखें तो 19,800 2 लाख की, और उसके बाद हम देखें 19,900, मतलब जो कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है 800 और 900 पे अच्छी खासी यहाँ पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट बन के रहेगा वो, जैसे कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया चार्ट के ऊपर। तो ठीक है, चार्ट के हिसाब से भी मतलब जो है वहीं पर ही, यहाँ पर कुछ है पुट राइटर बैठे इन द मनी अभी भी, अगर मान लो कि मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये भागते हुए देखने को मिलेगा, और भी हमें शार्प फॉल होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर 700 पे नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है और 600 पर भी, तो सपोर्ट ठीक ठाक है, 100-100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेसिस्टेंट हमारा 800-850 का जो रहेगा, अगर उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ही हम आगे पोजिशनल मतलब बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कहा पोजिशनल ट्रेडिंग में कि सेफ ट्रेडर जो है 20,000 के ऊपर ही है ना, कि वहाँ पर चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा था, वहाँ यहाँ पर अगर देखें तो OI में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, कि क्योंकि अगर देखें तो 20,000 तक अच्छा खासा यहाँ पर OI जनरेट हुआ है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंट, मतलब OI क्या है, बैंक निफ्टी मतलब थोड़ा सा बियरिश है, तो जो लेवल्स पे हमने डिस्कस किया चार्ट के ऊपर वही उसी को थोड़ा फॉलो करेंगे, मतलब जो OI जनरेट हुआ है वो भी हमारे फेवर में है, मतलब जो हमने एनालिसिस किया है, तो और कॉन्फिडेंस हमें हमारा यहाँ पर बढ़ेगा कि अगर लेवल्स ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पर ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ नंबर्स के हिसाब से, अगर 23 लाख और 24 लाख, तो यहाँ पर अगर देखें नंबर्स के हिसाब से थोड़ा सा मतलब नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो भूले से डिफरेंस देखने जाए तो कुछ नहीं है, खास नहीं, यहाँ पर ऑन एन एवरेज है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर अभी कुछ बैंक्स के यहाँ पर रिजल्ट आए हैं और देखेंगे, ये ऑन एन एवरेज है, मतलब जो वैसे भी चार्ट के ऊपर भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है रिजल्ट्स भी अभी क्या इम्पेक्ट देखने को मिलता है उस साइड भी, मतलब मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ये जो मतलब है यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, तो कॉल राइटिंग देखो यहाँ पर अच्छी खासी हमारे पास मतलब रेसिस्टेंट 46,200 और 46,300, मतलब जैसे कि हमने देखा वहाँ पर 200 के ऊपर सस्टेन होता है डेली के ऊपर, तो वहाँ पे हमें बाय साइड की मतलब जो भी है वहाँ पे हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट रेसिस्टेंट 500 का, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब सपोर्ट की अगर बात करें तो 46,000 का यहाँ पर अगर देखें तो वहाँ पर हमने देखा कि ये लेवल्स जो भी मतलब चार्ट के ऊपर डिस्कस किया वही है, तो ठीक है, मतलब चार्ट के ऊपर जो हमने बैंक निफ्टी पे तो भी ठीक है, मतलब वही स्ट्रेडल मतलब वो है ना रेंज बैंड बना के यहाँ पर चले गए, ओके DK का फ़ायदा उठाने के लिए। अभी मंडे को मार्केट कैसा ओपन होता है, लेवल्स अगर इसके बीच में मार्केट ओपन हुआ तो हमें लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर चलना है। बाकी सेल ऑन राइस वो कुछ अभी है, ऐसा कुछ ज़्यादा एग्रेसिव बुलिश बियरिश सीनरियो है नहीं, परंतु इसके नीचे थोड़ा सा बन सकता है सेल साइड प्रेशर, इसके ऊपर है थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव है। तो चलिए वो हो गया। अभी ऑप्शन चेंज FIDI का अगर देखें तो फ्राइडे को उन्होंने FIA की अगर बात करें तो 2,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग की है, FDI की अगर बात करें तो 1,200 करोड़ के आसपास बाइंग की है, मतलब थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करने की यहाँ पर कोशिश की, परंतु तो कुछ हुआ नहीं खास।
कैश बेसिस पे, क्योंकि अगर देखें तो डेली वो सेल करते हैं, आज बाय किया, मतलब होल्ड करने का यही दोनों का, जैसे कि कभी कभार लगता है कि ये मैच फिक्सिंग है कि आज तेरा भाई बाय करेगा तो तेरा भाई तू सेल करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ इनका चलता रहता है, मैनिपुलेटेड वाला डेटा मेरे को कुछ, है ना, मतलब मैनिपुलेटेड नहीं होता है उतना भी, मतलब जैसे कि हम सोच रहे, परंतु तो ठीक है, मतलब उनकी भी वो रहता है, मतलब ये आपस में मतलब है ना कभी कभार लड़ाई, मतलब ये आ जाते हैं ईगो के ऊपर, मतलब अभी 2-3 दिन अगर देखा हुआ तो वही स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो गया, अभी सारा कुछ यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेन FIA DIA, मतलब यहाँ पर FIA DIA का अगर देखें तो कुछ खास है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर भी न्यूट्रल सा, यहाँ पर मनी फ्लो अगर देखें नंबर्स के हिसाब से तो थोड़ा सा सेलिंग साइड थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, मतलब ये इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें, बड़ी पोजीशंस देखने जाए तो उतना भी कुछ खास नहीं है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि अगर देखें तो कैश बाइंग अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल रही है, करंट मंथ की भी है और पुराना भी अगर देखें तो वहाँ पर भी अच्छा खासा यहाँ पर रिकॉर्ड भी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो लेवल्स बेसिस पे ही काम करना ठीक रहेगा, ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं यहाँ पर कि थोड़ा सा सेलिंग साइड प्रेशर देखने को मिल रहा है, फिर भी ठीक है, वो निफ्टी के चलते IIT के चलते प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, अभी तक आप, अभी यहाँ पर वीडियो हम ख़त्म करना चाहेंगे, और दूसरा अभी तक आप वीडियो देख रहे हो हमारा तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो है ना अपने दोस्तों को भी शेयर करना, है ना, बाकी साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिल रहा है उसको भी आप ऑन करके चल सकते हो, ताकि जब भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा और आप टाइम पे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।